आपके निमंत्रण स्वीकार करने का और आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आपकी मासा कैसी है? अच्छी है। स्वप्न देख रहे कि कब हमारा प्रदेश विदेशी आक्रांताओं से मुक्त होगा। आशा है कि आपके पधारने से हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे। परमल जी, आपकी छोटी बेटी का विवाह एक राजवंशी से हो रहा है, इसलिए हमें आने में कोई आपत्ति नहीं। आप चिंता ना करें, हम यहाँ पर एक योद्धा होने के नाते नहीं, अपने राजवंश की मर्यादा का पालन करने आए, अपनी माता अपनी बुआ के संबंधों को निभाने आए। आइए, आपको अतिथि गृह तक ले चलें। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है आपका महल। अपने निकाह के वक्त इसे अपनी नजरों से तराशने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन आज वो भी कमी पूरी हो गई। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आइए। शादियां अक्सर लोगों को, परिवारों को एक करती हैं, रिश्तों को जोड़ती हैं, पर ये शादी कुछ अलग थी। यहाँ कुछ ऐसे लोग मिलने वाले थे जिनका एक ही मकसद था, एक दूसरे को तोड़ना, अपने सामने झुकाना। एक ही समय में इतिहास की दो बड़ी हस्तियां आमेर पधार चुकी थी। शहंशाह जलाल और कुंवर प्रताप और भारमल समेत आमेर के हर जिम्मेदार पदाधिकारी को डर था कि यह मुलाकात कहीं किसी विवाद का कारण न बन जाए। वो आपका मंदिर है ना, और वो बाजार, और वो रास्ता सीधा तालाब की ओर जाता है जहाँ आपके आपके यहाँ की औरतें कनकौर की पूजा करती हैं, है ना? बहुत ही पैनी दृष्टि है आपकी शहंशाह, और अद्भुत स्मरण शक्ति भी। पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण स्मरण शक्ति हर एक योद्धा के पास होनी चाहिए। ऐसे अस्त्रों के रहते कभी भी कोई योद्धा निहत्था नहीं रहता। मुगलों के सैनिकों की संख्या बहुत है, कुछ 5 सहस्त्र होंगे। जलाल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। आशा है शीघ्र ही हमारे उस शत्रु से हमारा सामना होगा। हम उसे देखना, जानना और समझना चाहते हैं। आई। हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं आपने? कहीं ये हमारे लिए तो नहीं? सच कहें तो हाँ, माना कि आप अपने ससुराल में, लेकिन हमारे अतिथि और जवाईसा होने के साथ साथ आप शहंशाह भी हैं। आपकी सुरक्षा व्यवस्था उत्तम हो, इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। बजा फरमाया आपने, बादशाहों को दुश्मन से कम अपनों से ज्यादा खतरा होता है। क्या पता अपने ही घर में कब एक दुश्मन से सामना हो जाए। आइए। अम्बे माँ, सामने से कुंवर प्रताप आ रहे हैं, कहीं शहंशाह के साथ उनका विवाद ना हो जाए। कहीं शहंशाह कुंवर प्रताप को सामने देखकर कुछ कह न दें। हे ईश्वर, इन दोनों का सामना इसी समय होना था।